मारवाड़ पंचायत में बनेगा जीविका भवन, पीओ ने किया कार्यस्थल का चयन। जीविका दीदियों के लिए सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में एक भवन निर्माण कराने का निर्णय लिया है। निर्णय को लेकर बुधवार को पीओ जावेद इमाम प्रखंड के मारवाड़ पंचायत पहुंचे, जहां पंचायत सरकार भवन के बगल में भूमि मापी तथा लेआउट का कार्य किया गया। इस संबंध में पीओ ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड में एक जीविका भवन का निर्माण करना है, जिसके लिए मारवाड़ पंचायत को चयनित किया गया है। पीओ ने बताया कि लगभग 14 लाख की लागत से भवन निर्माण कार्य किया जाएगा। मुख्य प्रतिनिधि आसिफ अशरफ ने कहा कि भवन निर्माण होने से जीविका संगठन के लिए काफ़ी सहूलियत होगी। भवन निर्माण के बाद जीविका दीदी तथा कर्मियों को अब किसी भी कार्य के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस मौके पर कार्यपालक अभियंता अजय कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता प्रेमचंद, कनीय अभियंता राहुल कुमार, मुख्य प्रतिनिधि आसिफ अशरफ, प्रोफेसर विमल प्रसाद, पैक्स अध्यक्ष लालबाबू राय, पिंटू राय आदि उपस्थित थे। ग्राम पंचायत माड़र में जीविका और मनरेगा के कन्वर्जन से जीविका के विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राम संगठन कहलाते हैं, आदिति ग्राम संगठन के कार्यालय भवन का यहाँ पर आज साइट वेरिफिकेशन और लेआउट हो रहा है। इस भवन का उपयोग जीविका के SSG के द्वारा किया जाएगा, जो इन लोगों की अपनी एक्टिविटी यहाँ पर होती है ग्राम पंचायतों में, उससे संबंधित जो भी है उसी के उस एक्टिविटी का अपना ये कार्यालय भवन होगा उस ग्राम संगठन आदित्य का। ये भवन का करीब 1700 स्क्वायर फीट में इसका पूरा लेआउट होना है, कैंपस इंक्लूडिंग कैंपस वगैरह। ऐसे भवन का लेआउट तो जो हिसाब है वो बता दूँगा। और इस भवन का निर्माण 6 महीने में किया जाना है, लेकिन कोशिश रहेगा कि हम लोग इसको जल्द से जल्द 2 महीने के करवा दें। एक बनाना है इस भवन का निर्माण, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये दिया जा रहा है। प्रत्येक प्रखंड में एक भवन का हम लोग का प्रस्ताव मिला है कराने के लिए।